हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्प वाटिका गोंडा पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो पौधा मेरे सामने देख रहे हैं यह डेंथस का पौधा है और इसमें हल्के गुलाबी कलर के लाल छू करके पौधे इसमें खूब निकले हुए हैं और ढेरों कलियाँ बन रही हैं। आप देखिए, कलियाँ आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी सारी कलियाँ गिनेंगे, चारों तरफ से फूल खिले हुए हैं। देखिए, यह डेंथस का पौधा बहुत ही खूबसूरत है, गुलाब से भी अच्छा लगता है। दोस्तों, ये पौधा मेरा पिछले साल का है, इस साल डेंथस हम नहीं लगा पाए, कोई कारण था, लेकिन हम पिछले साल के डेंथस का अपडेट आपको दे रहे हैं। इसमें हमने क्या क्या किया है जिससे हमारे डेंथस का पौधा इतना ज़्यादा खिला है और अभी खिल भी रहा है और ये पूरे साल फ्लावरिंग करता है। ये एक पेरेंटियल प्लांट है और कई रंगों में आता है, ये परमानेंट प्लांट है और कई रंगों में आता है। इसको आप अपने गमले में लगाइए, जैसे कि 10 इंच के गमले में लगा हुआ है और ये फूल खूब ढेरों सा फूल देता है। कितनी कलियाँ बनी हुई हैं, तो इसका राज क्या है इसके पीछे? इसके पीछे राज है इसकी मिट्टी। सबसे पहले फर्टिलाइज़र के अलावा इसकी मिट्टी के बारे में ध्यान देंगे हम। मिट्टी के लिए आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। 40% आप गार्डन सॉइल लेंगे और 40% ही आप लेंगे सैंड, जो बजरी जिसको बोलते हैं, लाल कलर की होती है, उसको खूब अच्छे तरीके से छान लीजिएगा और फिर मिट्टी में मिला दीजिएगा। और 20% आप लेंगे बर्मी कंपोस्ट या काउ डंग मैन्योर या लीफ कंपोस्ट। लीव कंपोस्ट सबसे अच्छा होता है लेकिन मिलता नहीं है, मार्केट में बेवकूफ़ बना के आपको बेचते हैं। कोई अच्छा सेलर अगर आपको मिले तो उससे आप लीव कंपोस्ट खरीद सकते हैं। इन सब को मिला करके इस पौधे को लगाइए। एक चीज़ का ध्यान और रखिए कि गमले में प्रॉपर होल होना चाहिए ताकि जो भी पानी आप डालें वो आवश्यकता के अनुसार जो भी पौधे को ज़रूरत है वो ले लें, बाकी पानी निकल जाए। तो जब वेल ड्रेन सॉइल आप बनाएंगे जिसमें 40% गार्डन सॉइल, 40% बजरी या लाल रंग का जो बजरी होती है लाल कलर की, उसको छान करके और इसके बाद जिसको हम बदरपुर की बजरी बोलते हैं, और इसके बाद इसमें 20% आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपोस्ट हों आपके पास में, जो भी कंपोस्ट हो, बर्मी कंपोस्ट हो, सड़ी हुई गोबर की खाद हो उसको मिला लीजिए, अथवा काउ डंग मैंने गाय के गोबर की खाद हो उसको छान करके सड़ी हुई वो मिला लीजिए सुखा करके। और इसके अलावा अगर आपको लीव कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो लीव कंपोस्ट इसलिए ज़रूरी है कि लीव कंपोस्ट में बहुत सारे तत्व होते हैं, तरह तरह के पौधों से पत्तियों से वो बनता है, तो वो ज़्यादा कारगर होता है। लेकिन मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट डाला था। देखिए कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। ऐसे ही आप अपने गमले में फूल प्राप्त करेंगे। इस तरह से अगर 10-12 गमले आप लगा लेंगे तो आपके गार्डन की शोभा बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि इसमें पानी कितना डाला जाए। पानी इसमें उतना ही डालें जितना नीचे से निकल जाए। बार बार पानी डालने से ये पौधा सड़ भी सकता है, इसकी रूट सड़ भी सकती है, क्योंकि फाइबर रूट होती है बहुत ऊपर तक, बहुत नीचे तक नहीं जाती है, तो इसकी रूट सड़ भी सकती है। ऐसे में आपको पानी का ख्याल रखना है। जब ऊपर की सॉइल इसकी सूखी हो तभी आप पानी डालें। वैसे जो तरीका मैंने सॉइल बनाने का आपको बताया है, उस तरीके से यदि आप सॉइल रखेंगे तो पानी अपने आप ही निकल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र हम डालें जिससे हमारा पौधा खूब अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास एक बाउल है। इस बाउल में आपको हम फर्टिलाइज़र हाथ से मैन्योर करके बताएंगे, चम्मच होगा तो चम्मच से बताएंगे कि कितना डालना है। ये सरसों की खली है, मस्टर्ड केक पाउडर है। अगर आपके पास इसमें से कोई नहीं है तो उसको आप स्किप कर दीजिए, मत लीजिए। ये सरसों की खली है, मिक्सी में हमने खूब अच्छे तरीके से उकल लिया है। तो इस सरसों की खली को हम क्या करेंगे, एक चम्मच ले करके इस पौधे के चारों तरफ हम बिना गुड़ाई किए हुए हम चारों तरफ ऐसे ऐसे इसको डाल देंगे। आप देखिए चारों तरफ, आप एक चम्मच और ले सकते हैं, इसको चारों तरफ ऐसे ऐसे डाल दीजिए। बस इतना काम आपको एक माह में एक बार करना है। अब इसके साथ ही साथ यदि आप चाहें तो थोड़ी सी पौधों की गुड़ाई कर दीजिए हल्के हाथों से। तो इसका जो मस्टर्ड पाउडर है, ये नीचे चला जाएगा, ये इकट्ठा नहीं होगा और इसमें फंगस लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। हल्के हाथों से इसकी गुड़ाई कीजिए
जल्दबाजी करके कोई भी पौधा मत लगाइएगा, आराम से पौधे पौधे को लगाइए, कम पौधे लगाइए लेकिन उसकी देखभाल प्रॉपर तरीके से देखिए। मैं देखता हूँ तमाम जगहों के ऊपर पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन उसमें पानी तक नहीं डालते हैं, ये बहुत ख़राब चीज़ है। यदि आप पौधे के शौकीन हैं, पौधा लाना चाहते हैं, तो पौधे की प्रॉपर तरीके से देखभाल कीजिए। अब ये मेरे पौधे को देखिए कितना ज़्यादा कलियों से भरा हुआ है। अब ये पौधा मैंने लगा दिया, अब इसमें क्या डालना है? इसके ताकत के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए हमें। माइक्रोन्यूट्रिएंट का सोर्स हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है जिसमें हम बायो तरीके से हम अपना सकते हैं, जैसे हमारे पास ये सागरिका है, सीविर ग्रेनुल है, और एक हम प्राप्त कर सकते हैं ये जो ये टोटल ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि ये टोटल रासायनिक है। तो हम दोनों का प्रयोग करेंगे। ये सीलूप कंपनी का है, कोई प्रचार नहीं है। इसमें तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं, ये 12 पौधों के लिए पर्याप्त है। तो इसमें थोड़ा सा हम लेंगे, थोड़ा सा काट करके इसको निकालेंगे हम। पहले आप देखते जाइए और बाकी पौधों के लिए हम रख लेंगे। ये थोड़ा गीला होता है तो हम इसको थोड़ा सा इसमें लगभग आधा चम्मच के करीब डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा गीला गीला निकल रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं निकाल करके। आधा चम्मच, ये बहुत ही घुलनशील है, आधा चम्मच के करीब इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए ये हरे कलर का है, ये आप देखिए आधा चम्मच के करीब हमने डाल दिया। ये रासायनिक उर्वरक है और इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं। और इसके बाद आता है हमारा सागरिका, हिप्पो कंपनी का बहुत ही सुंदर सीवीड है। आप इसको, इसमें 20% सीवीड होता है, इसको आप लीजिए। और आज मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ, ब्लैक कलर का इसमें निकलेगा ये। तो कितना लेना है हमें? लगभग एक चम्मच लेना है। लेने से पहले हिला लीजिए और लगभग एक चम्मच के करीब इसमें आप ले लीजिए। ये एक चम्मच के करीब हमने इसको ले लिया। अब इसको हम बंद कर देंगे, बाकी कोई भी चीज़ इसमें नहीं ऐड करनी है आपको। और ये सारी चीज़ें माह में एक बार आप इसको दे दीजिए पौधे को। और इसमें अब पानी मिलाएंगे, देखिए पानी इतना मिलाइए कि ये बिल्कुल घुल जाए। और किसी चेक कैंची की सहायता से, किसी चम्मच की सहायता से इसको हिला दीजिए ऐसे ऐसे। एक मिनट तक हिलाइए, सारा घुलनशील इसमें चला जाएगा। ये देखिए अब क्या करना है, थोड़ा सा पानी और लेंगे, लगभग 250 ग्राम पानी लेकर के ऐसे बनेगा और इसके चारों तरफ हम डाल देंगे। अपने आप ही चारों तरफ पहुंच जाएगा ये। दोस्तों कुछ ही दिन के बाद देखिएगा इस पौधे में और ज़्यादा कलियां बनेंगी, और ज़्यादा फ्लावरिंग होगा और ये पौधा आपके बगीचे में चार चांद लगा देगा। डेंथस एक ऐसा पौधा है जो हमेशा रहता है, बस गर्मी के समय में इसको आप सेमी शेड एरिया में रखिए जहाँ इसको एक से आधे घंटे की धूप मिले, फिर बाकी ये छांव में रहे। ऐसे स्थान पर इसको प्लेस कीजिए ताकि आपका पौधा बहुत अच्छा चले। सेमी शेड चाहिए इसको, गर्मियों के मौसम में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ये बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद इसको आपको सेमी शेड में रखना पड़ेगा। तो ये पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है। डेंटस के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरा सबसे प्रिय पौधा है, इसको आप लगाइए, अपने घर आंगन की शोभा को बढ़ाइए, अपने टेरेस गार्डन की शोभा को बढ़ाइए। और धीरे धीरे करते करते आप कई कलर में, शेडेड कलर में ये पौधे आते हैं, लेकिन मुझे एक कलर सबसे अच्छा पसंद है तो मैं यही कलर लेके आया था। ये एक साल पुराना पौधा है, एक साल आपका होगा तो पूरा गमला भर लेगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पर नए नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो आपको डालूं वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे प्रोत्साहित कीजिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए, आने के लिए, वीडियो पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।